दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष खबर पर। आदिवासियों का रास्ता बंद करने से दहसर मोरी पिंपरी के गांव के लोगों को भी परेशानी। जी हां दोस्तों, उत्तर शिव दहसर मोरी परिसर में पिंपरी गांव में जाने का जो मुख्य रास्ता है, जो मेन रोड से अंदर गांव तक जाता है, जहां पर शेतकरी रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, उन लोगों का वो जाने आने का सिर्फ एक ही रास्ता है। और उन लोगों का आरोप ऐसा है कि जो बाजू में कंपाउंड है, आप वॉल देख सकते हैं, पथरा लगा हुआ है, उस वॉल के ओनर ने पहले तो उनका रास्ता बंद किया, उन्हें बाजू से रास्ता दिया, और अब वो बाजू वाला जो रास्ता था उस पर भी पिलर के लिए लगभग 15 से 20 खड्डे खोद दिए गांव वाले, जिसके बाद में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में आ चुके थे। और उन लोगों का कहना था कि हमारे गाँव में आने जाने के लिए केवल यही एक रास्ता है, अगर इसे भी बंद कर दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, और अगर यदि बारिश का पानी उतरता है तो यही रास्ते से जाता है। बारिश के पानी के लिए वहाँ पर ड्रेनेज की लाइन भी है, 3 फीट का या 3 मीटर का नाले का ड्रेनेज का पाइप है, और उसे भी साइड में खसका दिया गया था। फुटेज में आप लोग देखिए क्या कहा इस मामले पर स्थानीय निवासियों ने, आदिवासियों ने और गांव के लोगों ने। आइए देखते हैं, एक झलक डालते हैं हमारी आज की इस खास और विशेष खबर पर। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद पाटिल है। विनोद पाटिल जी, ये जो गांव से निकलने वाला रास्ता था, ये काफी पुराना रास्ता है और इसे बंद किया जा रहा है, तो इस पूरे मसले को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, इधर आदिवासी लोग रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं इधर ही, तो ये पूर्वी से हम लोग बचपन से यही रोड, लेकिन अब ये जो गोडाउन वाले आए आजू बाजू में, सब अपना अपना जगह बढ़ा रहे और रोड हमारा बंद कर रहे हैं, ना नाला रखा है ना रोड रखा है, तो इसलिए अभी हमारे सब ये देखो रहवासी है सब लोग, तो ये लोग बोले कि अपन को रोड अपन जाएंगे कहाँ से, और ये तो देखो इतना बड़ा दीवार बनाना है उसने चालू कर दिया है, तो उसने पूछना चाहिए ना गाँव वाले को कि बाबा रोड कहाँ से, हम लोग जाएंगे कहाँ से, फेस करेंगे तो हम लोग बाहर निकलेंगे कहाँ से, जो पूर्वी का जो हमारा ग्राम पंचायत का और इधर का समझो रोड था, तो ये वो हिसाब से हमारा रोड रहना चाहिए। ये डीबी प्लान में भी ये रोड के है, है, है। ऐसा हमें मालूमात हुई है। डीबी प्लान में रोड है नहीं है हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये पूर्वी से हमारे दादा से हमारा ये रोड था, दादा परदादा के टाइम से रोड है, हम लोग शेतकरी है, हम लोग खेत में जाने के लिए ये रोड था, इधर से आते जाते थे, यही हमारा बचपन से, मेरे दादा भी इधर से गए और हम भी इधर से जाते रह रहे हैं। यहाँ से नाले की भी जो लाइन पास हुई है उसको भी बंद किया गया है, और जो पहले आप लोगों को रास्ता दिया गया था यही बोल के दिया गया था कि ये रास्ता आपको दिया जाएगा, और वो बाउंड्री मार दी गई थी, तो उसके लिए अभी तक आप लोगों ने क्या किया, और रास्ते को लेकर आज जो विवाद चल रहा है तो उस पर अब तक क्या कैरेवेशन आया है आप लोगों का? अभी कैसा है, इधर उधर से रास्ता होने के कारण हम लोग इधर से तो ध्यान नहीं दिया, उसलिए अभी इधर से हमको तो मेन जो रोड है हमारा आदिवासी लोगों का, तो इधर से रोड होना चाहिए, और इधर से पानी निकलने के लिए जगह भी इधर से ही है, नहीं तो पानी गाला जाए आमचे, नहीं जर एक रास्ता बनल ना तो आम घर पानी गाला ना पानी जाए, मम्मी का बोल जंगला जा पानी पूरा ये आज का पानी नहीं है, पानी बक्षी पवन जाए लगते हमारा इधर आने से बाजू में मेरा खेती है यहाँ पे, मैं बाप दादा से हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे खेती में जाने के लिए भी रास्ता नहीं है, कंपाउंड मार दिया पूरा, ठीक है, ना पानी निकलने का रास्ता है ना जमीन में जाने का, कंपाउंड अभी कंपाउंड ये गोडाउन वालों ने मारा है, हम लोग को पता ही नहीं चला कि कभी दीवार बनाया कभी काम चालू किया, 10-15 दिन पहले आया था तो यहाँ पे कुछ नहीं था, सुनसान था, बना रहे वो कौन है मालिक है उनका, उनका कुछ नाम तो अपने को पता नहीं है कौन है क्या है, अभी हम लोग देख के तो यहाँ पे घोड़ा उनका काम चला, उनको मैं काम करने वाला आदमी था, उनको बोला था कि भाई ये हम लोग को जाने के लिए रास्ता कहाँ से, तो उनको बोला कि भाई थोड़ा तो रास्ता रोको, तो फिर उन्होंने किधर सेठ को उनकी बात किया, अभी आके देख रहा था आगे भी नाले का भी रास्ता बंद है, इसकी शिकायत वगैरह की आपने? शिकायत अभी किधर, अभी तो चल रहा है सब, अभी से तो चालू हुआ है, अभी जैसे अभी आप लोग यहाँ जमा हुए हैं, यहाँ आपकी जमीन मालिकों से भी बातचीत हुई है, और इसके बाद भी आपको ये रास्ता नहीं मिलता है जाने आने के लिए गाँव वालों को, तो फिर आप लोग आगे अपना अगला कदम क्या उठाए? हम लोग क्या अभी जाएगा, उधर से जाते थे ना इतना दिन से, अफजल खान है। अफजल भाई, आपने कुछ इस रास्ते को लेके और नाले को लेके, आपकी भी कुछ जमीन है या लग के ही, तो आपने कुछ पत्र व्यवहार भी किया? मेरा सबसे पुराना जगह ये, जब आगे भी इधर भी नहीं था, इधर पूरा खेती थी, इधर भी खेती थी, और ये जो आगे वाला जिसने कब्जा किया ये भी खेती थी, जब मैंने ये लिया था मेरे दोस्त के साथ में, अभी उन लोग ने जब ये जगह बना रहे थे तो
तो ये जगह का वो लोग ने अपने को रास्ता एक साइड से दिए थे गांव वालों को आने जाने के लिए, गाड़ी आने जाने के लिए। तो मेरी गाड़ी मैं यहाँ लाके खड़ा करता था अंदर। ये दीवार बनाने के बाद में इसने शान पत्ति किया कि यहाँ से रास्ता बंद कर दिया। तो फिर चलो हम लोग कुछ नहीं बोले, क्योंकि इसने 6 फुट या 4-5 फुट छोड़ा था साइड से। तो हम लोग सोचा इतना बड़ा गटर नहीं होगा, एक नाली का गटर है, 3 फुट का गटर है, आप देख सकते हो वीडियो में भी। आप जैसे कलवट में एक पाइप लाइन खाली डाली गई, एक पाइप बोलेगा तो 3 फुट वाला गटर है वो, ठीक है। गटर यहाँ पे है, गटर बनेगा, गटर सब कुछ होगा, लेकिन क्या होगा कि अभी इधर डेवलप चालू हुआ ना, गटर यहाँ से बन रहा है, नीचे से अंडरग्राउंड जाएगा गटर, पानी भर रुकने वाला नहीं है। जब करोड़ों के इधर पे जगह मट्टी भरनी जा रही है, सब कुछ हो रहा है, तो गटर की जो जो मार्किंग किया हुआ है ना, ये गटर का ही मार्किंग है, ये अंडरग्राउंड गटर जा रहा है पूरा पूरा बांध। अपने को उससे मतलब नहीं है। रास्ता जो हमारा 17 साल पहले का रास्ता, गाँव वालों का रास्ता, आदिवासी वालों का रास्ता, आज तुम खोद के उसको सत्यानाश कर दिए पूरा। ये पुराना देखो, ये खोद डाले। मैं आपको पूरा इसका कलर फोटो देता हूँ, मैं आप लोग को वीडियो कलर फोटो दूंगा। सोलह फुट का रास्ता था ये, 16 फुट, आज 2 फुट भी नहीं रखे, पूरा कब्जा हो रहा है। ये देखो, ये 16 फुट का रास्ता, ये मेरे 17 साल की मेहनत का ये लोग ने 2 दिन में सत्यानाश कर दिया। अरे तुम रास्ता नहीं बना रहे तो दूसरा तो बना दो, जो यहाँ पे जगह लेके रखा है। तुम अपनी मर्जी का चलाओगे क्या? अभी आपने पत्र व्यवहार किया है? पत्र व्यवहार मैंने किया है, मैंने DCP में अर्जी डाला है, मैंने डायगर चौकी में अर्जी डाला है, मैंने चीफ मिनिस्टर के यहाँ पे अर्जी डाला है, गांव वालों का भी अर्जी डालने वाला हूँ अभी, कि ये आदिवासी का लैंड का जगह का रास्ता है, यहाँ पे अगर ये कोई जबरदस्ती करेगा उसको आदिवासी का एक्ट लग जाएगा, ST ST, कि आदिवासियों का रास्ता बंद किया है, समझे ना। ये हम ऐसा आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। हमको तुम बुला के वहाँ पे प्यार से बात करते हो और यहाँ पे आके देखता तो खुद डाले हो पूरा। पहले इतनी फास्ट ये डेवलप नहीं हो रहा था, अचानक में डेवलप होने 12 साल से यहाँ पे ग्राम पंचायत था, तो ग्राम पंचायत में डेवलप नहीं हुआ। आज म्यूनसिपालिटी नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जगह गई है, 1 महीने के अंदर GR आ जाएगा और ये 2 महीने के अंदर ये म्यूनसिपालिटी अपने हैंडओवर करेगी और इसको अर्बन डेवलपमेंट में डाल दिया है म्यूनसिपालिटी ने। और इसका जब भाई वो आया था तो मैंने इसको DB प्लान में डाला है, मैंने डाला है, मैं बिल्डर हूँ, मैंने खुद डाला है इसको, ये DB प्लान है। तो ये गाँव वालों का रास्ता नहीं, सबका रास्ता ही है, जितने पीछे तक जाएगा वहाँ तक का रास्ता ही। तो ऐसा तुम दादागिरी करके मत करो, प्यार से करो, थोड़ा तो रास्ता छोड़ो। तुम 2 फुट अपना है वो ले लो, 3 फुट है अपना ले लो, तुम पूरा 8-8 फुट लेके जा रहे हो। 16 फुट का रास्ता खोद डाले तुमने, गटर कितना बड़ा कर दिए, गटर एक साइड से था, उधर का मट्टी निकाल के ये बाजू डाल दिए। आप वीडियो में दिखाना सबको, ठीक है। हम लोग करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, हमने सब कुछ करके रखा है। जाकर ज़्यादा कुछ होगा हम एकनाथ शिंदे साहब को लाके विजिट करवा दूंगा, क्योंकि अपना है थोड़ा बहुत, करेंगे कुछ ना, ठीक है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ऐसी ही बेबाक खबरों के साथ में। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।